हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना कोर्स और आगे प्रोसीड करते हैं। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में तीन प्रोटोक्टिस्टास पढ़ने थे। एक का नाम था प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा, एलजी, जो हमने पढ़ा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, क्लोरेला, अल्वा प्लांट। फिर एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा, जिसका नाम था प्रोटोजोआ। फाइव क्लासेस पढ़ी। नंबर वन क्लास फ्लेजिलेटा, क्लास सीलिएटा, मैस्टिगोरा, मैस्टिगोफोरा क्लास फ्लेजिलेटा का दूसरा नाम, सिलियोफोरा सिलिएटा का दूसरा नाम, क्लास सूडोपोडिया, सार्कोडिना, सक्टोरिया और स्पोरोजोआ। अब उन क्लासेस के बाद आगे चलते हैं। एलजी ख़त्म किया, एनिमल ख़त्म किया, अब फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ सवाल बनता है वो ये है कि अगर ये फंजाई लाइक हैं तो ये किंगडम फंजाई में इंक्लूड क्यों नहीं है, किंगडम फंजाई में इनका नाम क्यों नहीं है। तो मैं आपको कुछ डिसिमिलरिटीज़ बताता हूँ। चार इम्पॉर्टेंट डिसिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा को कंसिडर नहीं किया जाता किंगडम फंजाई में। एक तो इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, हालांकि वो सेलुलोज तो प्लांट में पाया जाता है। फंजाई की जितनी सेल वॉल है, किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी सेल वॉल में काइटिन है, मगर फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा की सेल वॉल में सेलुलोज है। इस वजह से, इस डिसिमिलरिटी की वजह से इनको बाहर निकाला है। नंबर टू, ये मोटाइल नेचर के हैं। अगर हम आगे चलें तो बात करते हैं वाटर मोल्ड की। वाटर मोल्ड वो फंजाई है जो मूव करता है, हम कह सकते हैं लिटिल बिट सलाइम मोल्ड के बारे में भी। सलाइम मोल्ड कैन मूव। दुनिया में किंगडम फंजाई में कहीं पर भी नहीं लिखा कि किंगडम फंजाई मोटाइल है। ऑल किंगडम फंजाई आर सिसाइल विथाउट लोकोमोटिव ऑर्गन। तो ये दो डिसिमिलरिटीज़, पहली ये कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है जो आम किंगडम फंजाई में नहीं होता, दूसरा ये कि सलाइम मोल्ड मूव करता है, आम किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करते। नंबर थर्ड, ये अगर हम बात करते हैं वाटर मोल्ड की, तो वाटर मोल्ड आपको मिलेगा सलाइम मोल्ड आर मोटाइल। वाटर मोल्ड की बात करते हैं तो वाटर मोल्ड आपको मिलेगा एक्वाटिक मीडियम में। जो असल किंगडम फंजाए हैं वो एक्वाटिक मीडियम में नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ किंगडम फंजाए आर प्रेजेंट इन टेरिस्ट्रियल लाइफ। नंबर फोर डिसिमिलरिटीज, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर हम वाटर मोल्ड की बात करते हैं तो वाटर मोल्ड के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसका नाम है ओगैमस, एंड दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्लांट लाइक। एलजी को क्यों निकाला था, मैंने आपको बताया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा एलजी क्यों थे, क्योंकि एलजी यूनि और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। क्योंकि एलजी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल बी से, क्योंकि एलजी एक्वाटिक नेचर के हैं इसलिए निकाला। किंगडम फंजाई में फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा क्यों नहीं आते, ये चार रीज़न। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, इनके सलाइम मोल्ड जो है मूव करता है, इनका वाटर मोल्ड पानी में रहता है, और इनके वाटर मोल्ड में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगैमस है। ओगैमस नॉट प्रेजेंट इन किंगडम फंजाई। देर आर टू मेन टाइप्स, एक का नाम सलाइम मोल्ड है और एक का नाम वाटर मोल्ड है। इसका नाम सलाइम मोल्ड क्यों है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। ये कहलाता है प्रिमिटिव और ये कहलाता है एंशियंट फंजाई। एक स्लाइम मोल्ड की बात यूं है कि ये स्मूथ, ये सॉफ्ट सरफेस का इनका स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज़,
आप यूं कह सकते हैं ये स्लिपरी बिल्कुल इनकी सरफेस होती है, इसलिए इनका नाम स्लाइम है। और दे कैन बी मॉडिफाइड देयर शेप, ये मॉडिफिकेशन अपनी शेप में, ये मॉडिफिकेशन अपने स्ट्रक्चर में फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। कोई इनको नाम देता है जस्ट लाइक अ जायंट अमीबा, इसलिए इसका नाम जायंट अमीबा है कि स्लाइम मोल्ड हैव नो एनी स्पेसिफिक शेप, दे हैव नो एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इनको चलते हुए ऐसा लगता है जैसे ये लार्ज अमीबा की तरह है, इसलिए स्लाइम मोल्ड को हम जायंट अमीबा के नाम से भी याद रखते हैं। और इनकी जो मूवमेंट है वो लाइक अ सूडोपोडिया की तरह है। ये आपको मुख्तलिफ शेप्स में मिलेगा कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली। ये चेंज करता है अपना इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली, जब ये चेंज करता है अपनी शेप अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जस्ट लाइक ये अपनी शेप चेंज करके एक डेड लीफ की तरह लगेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे कोई स्टोन या जैसे कोई सॉइल का पार्टिकल है, ये ऐसा लगेगा जैसे कोई प्लांट का एक पार्ट है। इसकी इस चेंजेस की वजह से कहा जाता है कि इनके अंदर होती है मिराक्युलस मेटामॉर्फोसिस। मिराकुलस मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं? मिराकुलस का मतलब होता है मिराकल, मिराकल का मतलब मौजा, और मेटामॉर्फोसिस का मतलब चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। कीमोफ्लाज के ज़रिए ये अपनी शेप, अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई एग है, ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रूट का टुकड़ा पड़ा है। इनके अंदर अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इनकी रिप्रोडक्शन जस्ट लाइक प्लांट की तरह है। इनके अंदर भी सम हाउ आप कह सकते हैं जस्ट लाइक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरह इनमें भी चेंजेस आती रहती हैं। और इनकी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो ये मोटाइल नेचर के हैं, ये दे कैन बी मूव, ये मूव कर सकते हैं, और इनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर पाई जाती है डेड लीव्स के ऊपर। इनकी जो मूवमेंट है वो पाई जाती है सरफेस ऑफ सॉइल के ऊपर। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन से पहले एक आपकी एक बुक को मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। दे हैव नो एनी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इनकी कोई इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस नहीं है इकोसिस्टम में, ना ये कोई मेजर प्रोड्यूसर है, ना ये कोई मेजर कंज्यूमर है या डीकम्पोजर है। दे ओनली फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं जस्ट। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इनकी शेप कुछ इस तरह से है, ये इनकी आप कह सकते हैं इट इज़ इररेगुलर शेप स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मल्टी न्यूक्लेटेड प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर आपको मैनी वैक्यूल्स मिलेंगे, वो वैक्यूल फूड और वाटर लेडन होंगे। ये देखिएगा ये रहा इनका स्ट्रक्चर, ये रहा वैक्यूल,
ये मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है इनका, दिस इज़ मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर। और इनके अंदर आपको फूड के या वाटर के वैक्यूल मिलेंगे इस तरह से, ये देखिएगा। ये इनकी कहलाती है मोटाइल स्टेज, ये इनकी कहलाती है एक्टिव स्टेज, ये इनकी कहलाती है एमोबॉइड स्टेज, और इसको नाम देते हैं प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडिया। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये अपने आप को कुछ इस तरह से चेंज कर लेंगे, ये देखिएगा बेटा इस तरह से। ये कहलाती है इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये कहलाती है इनकी फ्रूटिंग स्टेज। ये कहा जाता है स्पोरंजिया है, जिसके अंदर से छोटे छोटे स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और ये स्पोरंजिया से निकलेगा एक स्पोर येरा। ये स्पोर थिक हार्ड और टफ कवरिंग का स्पोर है, और ये स्पोर बनते ही चला जाता है अंडरग्राउंड सॉइल सरफेस, और जैसे ही सॉइल मॉइस्ट होती है दे कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स, ये कन्वर्ट हो जाता है दो सेक्स सेल में, एक मेल और एक फीमेल। दीज आर देयर गैमेट्स, और गैमेट्स जो हैं वो होते हैं हाइप्लाइट और गैमेट्स होते हैं मोटाइल। सॉइल के वाटर की सरफेस से मूव करते हुए ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन कर कर ये लोग बनाते हैं, हम इन्हें कहते हैं जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डाइप्लॉइड जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मोडिया में, और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता है। तो समहाउ इनका लाइफ साइकिल मिलता जुलता है प्लांट से, क्योंकि प्लांट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसी चीज़ होती है, इसके अंदर भी आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं, जिसमें स्पोर बनता है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, जिसमें प्लाज्मोडिया बनता है। और इसी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन की वजह से इनको जेम्नोमाइकोटा कहते हैं। जेम्नोमाइकोटा मीन्स जेम्नोस्पर्म, और माइकोटा का मतलब माइकोलॉजी फंजाई। तो सलाइम मोल्ड दे हैव नो एनी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, दे ओनली फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड दे जस्ट लाइक अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक अ प्लांट। फिर सलाइम मोल्ड के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और उसको हम लोग कहते हैं वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड एक ग्रुप ऑफ वाइट वैरायटी है, ग्रुप ऑफ वाइट वैरायटी ऑफ फंजाई है, ऑर्गेनिजम्स हैं। वाटर मोल्ड को जब भी याद करें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन जहन में आता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन का मतलब होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन ये एक तरह से उस स्पीशीज का नाम है जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन डिजीज को फैलाते हैं। इसके अंदर पोटैटो बिकम ब्लाइटिन, पोटैटो बिकम विल्ट, और उसमें फाउल स्मेलिंग फ्लूड निकलता है। अगर हम आगे चलें वाटर मोल्ड की बात करें, तो वाटर मोल्ड की बॉडी को हम लोग कहते हैं माइसीलियम, और इनकी बॉडी कहलाती है दे आर कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ मैनी हाइफी। अगर इनकी बॉडी को हम देखें तो इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक अ प्लांट। इसमें आपको मिलेंगे
राइजोइड्स, जहाँ से ये डैट ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, डैट ऑर्गेनिक मटेरियल को ये एब्जॉर्ब करता है और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल में कन्वर्ट करता है। ये इनके कहलाते हैं, इनको कहते हैं स्पोरंजियो फोर। स्पोरंजियो फोर वो है दे लाइक स्टेम लाइक। फिर आगे चलते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है जिसको कहते हैं स्पोरंजियम, एंड दिस स्पोरंजियम कंटेन स्पोर्स। और ये पूरी की पूरी बॉडी को हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज माइसीलियम। ये रहा, अंदर आपको जो हाइफी मिलेंगे वो मल्टी न्यूक्लेटेड हाइफी होते हैं, इनको कहते हैं हम सीनोसाइटिक। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो जिससे ये मिलकर बने हैं वो हाइफी उन फिलामेंट्स को कहते हैं, उन फिलामेंट्स के नेटवर्क को कहते हैं जिसमें पूरी की पूरी फंजाई की बॉडी बनती है। ज़रा देखते हैं इन हाइफी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ज़्यादातर ये जो हाइफी हैं ये सीनोसाइटिक हाइफी होते हैं। सीनोसाइटिक हाइफी से मुराद वो हाइफी जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्रीली मूव कर रहा हो। नंबर टू, इनमें एक चीज़ और भी है कि इनके सेल वॉल के अंदर लिग्निन और पेक्टिन कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। अगर हम हाइफी की बात करते हैं नंबर थर्ड, तो इनके हाइफी नोड्यूलेटेड हाइफी होते हैं और इन दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइलिन। हाइलिन एक ऐसा हार्ड टफ मटेरियल है जो इनके हाइफी को जो है बेटा वो और ज़्यादा टफ करता है। नंबर फोर, इनके हाइफी होते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग, और हाईली पेनिट्रेटिंग हाइफी को जो पेनिट्रेट कर जाए होस्ट बॉडी में, जो पेनिट्रेट कर जाए प्लांट में, उस हाईली पेनिट्रेटिंग होस्ट बॉडी के हाइफी का नाम है एंडोफाइटिक हाइफी। ये रहे, और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो होस्ट बॉडी को किल करते हैं। ज़रा देखते हैं हम किस तरीके से ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेशन पोटैटो को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम देखें पोटैटो की फसल को तो पोटैटो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं पोटैटो की तो इट इज़ नोन एज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है और इसके अंदर दो तरह की स्टेम है, एक स्टेम ज़मीन से ऊपर, एक स्टेम ज़मीन के बाद। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, ये अंडरग्राउंड स्टेम की टाइप्स हैं। ये देखिएगा, ये कहलाता है दिस इज नोन एज एरियल स्टेम, और ये कहलाता है अंडरग्राउंड स्टेम। ये पोटैटो और इसके अंदर स्टोर है स्टार्च। ये रहा, अब होता क्या है कि थ्रू द वाटर इनके स्पोर ट्रांसमिट होते हैं, किसमें ट्रांसमिट होते हैं, इनटू द क्रॉप्स। अब ज़रा देखिएगा, इनके स्पोर आएंगे और वो स्पोर आकर इनके ऊपर बैठ जाएंगे। ये जो पोटैटो है ये ऑर्गेनिक मैटर को जो स्टोर करता है वो करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता स्पोर इनके अंदर आएंगे और वो ग्रोथ कर इनके पोटैटो के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। ये रहा, अगर हम देखें तो इनके इन्फेक्टेड पोटैटो के प्लांट के अंदर तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। नंबर वन, एक अंडरग्राउंड
जो पार्ट है पोटैटो का, दे बिकम विल्ट, दे बिकम पल्पी, ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है, दे बिकम विल्ट, दे बिकम पल्पी, और इसको बोलते हैं सॉफ्ट, इनकी जो पोटैटो की जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसके अंदर से फाउल स्मेलिंग फ्लूड निकलेगा, क्योंकि अंदर फंजाए एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर से पोटैटो बिकम डिस्ट्रॉय बिकॉज दे बिकम हॉलो फ्रॉम इनसाइड। अगर हम अंडरग्राउंड से नंबर टू दूसरी बात करते हैं कि क्राउन के रीजन में क्या हुआ है, क्राउन का रीजन ये वाला कहलाता है, वो रीजन जहाँ पर अंडरग्राउंड पार्ट और जहाँ पर एरियल पार्ट आपस में मिले। क्राउन वो रीजन है जहाँ पर आपको फोर्टिफिकेशन ऑफ फंगस नज़र आएगी, आपको नज़र आएंगे ब्राउन कलर के, आपको नज़र आएंगे ब्लैक कलर के स्पॉट्स, और वो असल में हाइफी हैं फंगस के, वो फंजाई के हाइफी जो एक दूसरे के ऊपर ग्रोथ, जो एक दूसरे के ऊपर डेवलप होते जा रहे हैं। अगर हम आगे चलें क्राउन के बाद बात करते हैं तो व्हाट अबाउट लीफ, लीफ क्या होगा, लीफ में डेट नेक्रोटिक स्पॉट, डेट नेक्रोटिक पैच बन जाएंगे, वो डेट नेक्रोटिक पैच आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाएंगे टू ऑल ओवर लीफ। इनके अंदर आपको ब्राउन और ब्लैक कलर के लार्ज स्पॉट्स मिलेंगे, जिसने पूरे लीफ को डिस्ट्रॉय किया होगा, एंड द लीफ बिकम फॉलिंग ऑफ, द लीफ बिकम शेडिंग ऑफ। तो इसको हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डिज़ीज़ की जो फर्स्ट पार्ट है, वो जो डिज़ीज़ का जो फर्स्ट प्लांट की बॉडी का पार्ट जो इन्फेक्टेड होता है, वो असल में होता है अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट से होता हुआ ये देखिएगा बेटा, ये रहा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम फोर और राइजोइड्स, ये रहा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम फोर और राइजोइड्स, ये जो माइसीलियम है ये पेनिट्रेट कर जाता है इनसाइड द होस्ट बॉडी, इनसाइड द होस्ट सेल, और उनको अंदर ही अंदर खोखला कर मार देता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मैंने आपको पहले बताया, एक डिजीज़ का नाम है, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन जो है वो नाम है वाटर मोल्ड के उस स्पीशीज़ का। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो वाटर मोल्ड के अंदर होती है रिप्रोडक्शन, इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के गैमेट्स में डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल का गैमेट दे आर डिसिमिलर, ना सिर्फ डिसिमिलर टू देयर शेप, टू देयर फंक्शन, इसीलिए इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं ओगैमस। इनकी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर मोस्ट कॉमनेस्ट फिशन है, चूँकि इनके अंदर ओगैमस प्लांट की तरह होती है, तो जैसे स्लाइम मोल्ड का नाम था जिम्नोमाइकोटा, वैसे ही वाटर मोल्ड का नाम है, वाटर मोल्ड को ओमाइकोसीट्स कहते हैं, ओमाइकोसीट्स इसलिए कहते हैं इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओमाइकोटा की होती। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा पढ़कर, इसकी रिप्रोडक्शन पढ़कर हम लोगों ने किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के चैप्टर को ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।